समादरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय नीर क्षीर विवेकी अध्यापक प्राध्यापक गण, समारोह में आए हुए अधिकारी गण, अन्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आज का एक ज्वलंत विषय है जिस पर मैं अपने विचार रखना चाहूंगी। आशा है आप सब ध्यान से सुनेंगे और मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगी। आज मैं जिस ज्वलंत समस्या की और आप सबका ध्यान दिलाना चाहती हूँ वो है महिला शोषण और सरेआम होती छेड़छाड़। आप सब दिसंबर 2012 में हुई दामिनी वारदात से पूरी तरह वाकिफ है और दुखी भी जरूर होंगे, लेकिन अब तक उसी घटना को सब भुला भी चुके होंगे। पर क्या वो भुला देने वाली घटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हर घर में बेटी है, बहन है और ऊपर भी वैसे ही घटना की तलवार भी लगती है। एक बेटी को स्कूल, कॉलेज या कहीं से भी आने में अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो हर माँ बाप की चिंता दोगुनी हो जाती है। उनकी आंखों के सामने दामिनी का दृश्य आने लगता है, सांस अटक जाती है। मैं आप सबसे पूछती हूँ, जब ये सब हमारे घरों में होता है, ये दुख का हद से होता है, तो ऐसी घटनाएं होती ही क्यों है? ऐसे घटित कार्य करने वाला किसी औरत का बेटा तो किसी का भाई होता है, शायद किसी बेटी का पिता भी। ये एक दामिनी की समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि हर घड़ी हर पल एक नए दामिनी इसका शिकार अवश्य बनती है। कहां से हुए हो आप सब? किस बीमारी का शिकार है हमारा पुरुष समाज जो दरिद्री के इस हद तक गुजर जाता है कि राक्षस और दैन्य की दोनों कांप जाए? हम सब ये नहीं समझते कि इसका असर पूरी नारी जाति पर कितना भयानक पड़ता है। जहाँ समाज में उन्नति की बात होनी चाहिए वहाँ पिछड़ेपन की बात होती है। जैसे अब लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं, कॉलेज नहीं भेजेंगे, जल्दी शादी कर देंगे, ऐसे नहीं रहने देंगे, वैसे नहीं रहने देंगे। आप सब ये क्यों नहीं कहते कि हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को ऐसी मानसिकता से बाहर निकालेंगे? देर रात तक घर से बाहर नहीं रहने देंगे, लड़कों को अच्छे संस्कार देंगे, लड़कों को नैतिक बातों का ज्ञान देंगे, लड़कों को नहीं, हम ऐसा नहीं करते। ये कैसा न्याय है हमारा? जो गुनाह करे कोई और, सजा भुगते कोई और। वैसे समाज में इस बीमारी को फैलाने में किसी हद तक हम स्वयं के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम माता पिता की भी आजादी का गलत फायदा उठा लेते हैं, ऐसा में दिखने वाले परिधानों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि हमारी विचारधारा भी अशोभनीय बन गई है। बस अगर हम इसे सुधार कर ले तो समाज को सभ्य बना दे तो पाक साफ तस्वीर बन सकती है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आप अपनी सोच बदलिए, उन बीमार लोगों को पिंजरे में बंद कर दीजिए, उनका बहिष्कार कर दीजिए, सुनने की औरत को पिंजरे की महिला बनाइए। इन हालातों में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। सतयुग का राम हो या कलयुग का नर, सतयुग का राम हो या कलयुग का नर, खेला दोनों ने औरत को खिलौना समझकर। जब चाहा अपनाया गुणगान किया जाता है, ये समाज औरत को कितना सताता है। बेशक हम मातास्वादी थे, समाज आपकी लीला दिखा रहे थे, पर दुखों का दूसरा नाम तो सीता बन ही गई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बात है, जिसे देखो वही दामिनी जैसी घटनाओं का जिक्र करता है, पर मैं क्या ना करूँ? मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी उसी नारी जाति का हिस्सा हूँ। अपने सम्मान के अलावा मैं क्यों कोई दूसरी बात करूँ? पर जिस समाज में मेरा सम्मान नहीं, वहाँ मैं क्यों ना समाज को आईना दिखाऊँ? फिर आप ये भी सोचिए, इतना सुधार हुआ है समाज में, कैसी घटनाएं और औरत पर जुल्म सितम कम हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मानसिकता बदलनी होगी, औरत को मजबूत बनना होगा, देश का कानून पुख्ता कड़ा करना होगा, औरत का वो सम्मान लौटाना होगा जिसमें हम दुर्गा और सती सावित्री का रूप देखते रहे हैं। फिर नहीं दोहराई जाएगी समाज में दामिनी जैसी घटना। हमारे समाज को
तभी तबाही पाएगी।